बट माई नॉट दे गेट पेंशन होल लाइफ, सो माई नॉट भाई साहब, पेंशन का मतलब ये तो नहीं होता है कि सब यू विल बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट और लेजिस्लेचर और द एमपी और एमएलए। माई लॉर्ड। अभी आज हम कल परसों पेपर में पढ़ रहे थे, एक पर्सनल एक व्यू था एक आदमी का, सर क्या माय लॉर्ड माय लॉर्ड कहना था, ये तो कभी रिटायर होते नहीं है तो पेंशन किस बात की दी जाती है। माय लॉर्ड तो नाउ द थिंग्स हैव स्टार्टेड क्रॉपिंग अप। एक स्टेट में फॉर एवरी टेन्योर देयर वाज अ सेपरेट पेंशन, नाउ इट हैज बीन डिसकंटिन्यू। माय लॉर्ड अभी आप देखना, पिछले हफ्ते के एक पेपर में मैं पढ़ रहा था कि व्हेन दे डू नॉट गेट रिटायर्ड देन व्हाई दे गेट पेंशंस, माय लॉर्ड पर नाउ देयर इज सम मूवमेंट इन द सोसाइटी अगेंस्ट ऑल दिस एस्पेक्ट्स, बी दैट व्हाट एवर इट इज, सर इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस एंड दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर, माय लॉर्ड माय लॉर्ड है ना। तो सर अगर आपको पेंशन मिलती है एंड स्टिल यू ट्रीट योरसेल्फ टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, माय लॉर्ड सर्टेनली आई अरे एम नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। अरे तो भाई साहब, फिर अगर आप जो आपने सबमिशन किया है देन बी रेडी फॉर द अदर कॉन्सिक्वेंसेस। माय लॉर्ड इफ यू आर गेटिंग द पेंशन एंड यू स्टिल ट्रीट योरसेल्फ टू बी अ फॉर्मर लेजिस्लेचर, तो पेंशन के कारण फिर पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में भी आने के लिए तैयार हो जाओ सर। तो हेलो पीसी एक्ट भी लग जाएगा, सब लग जाएगा सर। मतलब पब्लिक सर्वेंट तो नहीं रहेंगे एटलीस्ट अच्छा, जहां पे आपके खिलाफ हो सकता है वो नहीं रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है। पब्लिक सर्वेंट तो इफ अगर मैं रहता लेजिस्लेचर तो फॉर श्योर आई वुड हैव फॉलन दैट कैटेगरी। आपने कहा ना कि सिंस यू आर गेटिंग पेंशन देयरफॉर एक्स एमएलए की कैटेगरी में आप आएंगे। मतलब एक्स एम एल ए तो आई एम फॉर श्योर आई एम एक्स एम एल ए एंड रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 इज ऑल्सो एन एक्स एम एल ए। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप एक्स एमएलए नहीं हो, मतलब मैंने आपसे ये कहा कि व्हेन द अलेज्ड एक्ट वाज कमिटेड यू आर नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट, राइट। व्हेन द एफआईआर वाज लॉस्ट यू आर नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट, व्हेन दिस पिटीशन हैज बीन फाइल्ड यू आर नॉट होल्डिंग एनी पोस्ट, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर द एमएलए, माय लॉर्ड विल दैट योर अर्लियर स्टेटस विल बी कवर्ड बाय द वर्ड फॉर्मर एमएलए माय और लॉर्ड द एमएलए इज देयर टू मीट आउट द इवेंचुअलिटी दैट अ पर्सन माइट हैव कमिटेड सम एक्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज एमपी और एमएलए, बट ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और ऑन द डेट ऑफ चैलेंज टू दैट एफआईआर, इफ ही हैड डिमिटेड हिज ऑफिस, स्टिल ही विल बी कवर्ड बाय द नोटिफिकेशन बाय व्हिच हिज केस इज टू बी हर्ड बाय द नोटिफाइड कोर्ट। माय लॉर्ड द नोटिफिकेशन विच इज बीइंग इशूड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज नथिंग टू डू विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस। इट जस्ट सेज दैट इफ इट इन्वॉल्व्स, सो इफ इन आप मान लीजिए 22 साल की उम्र में एमएलए बन गए, माय लॉर्ड उसके बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा, माय लॉर्ड 50 साल की उम्र में एक मर्डर कर दिया, माय लॉर्ड आप नोटिफाइड कोर्ट में चले, माय लॉर्ड दिस कैन इट बी, नोटिफिकेशन सेज सो। कैन इट, अरे मैं तो इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं, मैं ये तो थोड़े कह रहा हूं कि डजंट से सो, माय लॉर्ड मैं ये थोड़े कह रहा हूं कि डजंट से सो, माय पर लॉर्ड योर पोस्ट मस्ट बी समथिंग टू डू विद द टेन्योर एंड द एक्ट कमिटेड बाय यू। आपने देखा होगा ना कितने लोग 22-23 साल में एमपी एमएलए बन जाते हैं। लॉर्ड टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज मेरा 25 इज दी माय लॉर्ड मिनिमम एज। अरे यार मतलब मिनिमम पे चलो, माय लॉर्ड माय लॉर्ड सबसे यंगेस्ट मान लीजिए 25 पे भी है, माय उसके लॉर्ड बाद उसने कभी चुनाव नहीं लड़ा और 50 साल की उम्र में जाके एक ऑफेंस कर दिया कॉमन माय लॉर्ड मैन, तो मेयरली बिकॉज 25 years अगो ही वॉज द एमएलए, देयर फॉर हिज केस विल बी ट्राइड बाय नोटिफाइड कोर्ट, थोड़ा सा कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं अराइज हो रहा आपके दिमाग में। माय लॉर्ड अगर हम ये होल्ड करें कि द एक्ट कमिटेड बाय अ पर्सन हैज नथिंग टू डू विद हिज स्टेटस एज एमपी और एमएलए, माय लॉर्ड तो इसका इसका इसके फॉलोआउट ये होंगे, आज का एमपी एमएलए अगर 50 साल के बाद 25 साल के बाद कोई ऑफेंस करता है, स्टिल ही विल बी कवर्ड बाय दैट वर्ड वर्ड एक्स,
ये थोड़ा सा रिसर्च वाला था पर आपने नहीं किया, मैं भी करता हूँ, देखता हूँ सर। एट प्रेजेंट आई विल नॉट पास एन ऑर्डर ऑन द बोर्ड आउट और आई विल ऑल्सो गो थ्रू दैट नोटिफिकेशन एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट वेदर योर सबमिशन इज टू बी एक्सेप्टेड और नॉट। और मुझे अगर ये लगता है कि एक्स एम एल ए या फॉर्मर का मतलब वही है कि द पर्सन हु हैज डेमिटेड द ऑफिस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पिटिशन माय लॉर्ड बट द एक्ट कंप्लेंट वॉज कमिटेड बाय हिम ड्यूरिंग हिज टेन्योर एस एम पी और एम एल ए, अब माय लॉर्ड तो ठीक है, तब तो फिर हम आपको ग्वालियर भेज देंगे। और अगर लगता है कि नहीं, मियरली बिकॉज यू आर एम पी और एम एल ए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू माइट हैव कमिटेड सम ऑफेंस आफ्टर डेमिटिंग योर ऑफिस बट स्टिल योर केस इज टू बी ट्राइड बाई द नोटिफाइड कोर्ट, अब तो नेचुरल है फिर तो आपका यही ज्यूरिसडिक्शन आएगा, माय लॉर्ड है ना। तो प्लीज गिव मी अ डेज टाइम एंड देन आई विल ट्राई टू इंटरप्रेट द वर्ड फॉर्मर एज मेंशन इन दैट नोटिफिकेशन। राइट माय लॉर्ड, मे दिस मैटर बी केप्ट ऑन 8, माय लॉर्ड, आई विल ऑल्सो फाइंड सम जजमेंट्स। सर, आपके लिए क्यों समय दिया था 1 तारीख को सर? टुडे सिक्स्थ, माय लॉर्ड, आई डिडंट फाइंड ऑन दिस पॉइंट फॉर्मर, आई वाज रिसर्चिंग ऑन द पॉइंट दैट इफ दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज डिसाइडेड दिस इशू और नॉट। प्रॉब्लम ये होती है जैसे ही कोई वर्ड मिलता है जिससे कि आपको लगता है कि अरे ये मुझे सपोर्ट करेगा, देन यू स्टॉप सर्चिंग आउट द अदर पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस। माय लॉर्ड, अरे थैंक फॉर्मर वर्ड है, हो गया काम खत्म, फाइल बंद करो, दूसरी फाइल खोलेंगे। दैट माय लॉर्ड, आई वाज इज सर्चिंग ऑन वर्ड इन्वॉल्विंग, सो आई डिडंट गेट। इनवॉल्व, यस, फॉर्मर फॉर्मर एमपी और एमएलए, दैट मींस द फॉर्मर मतलब इवन आफ्टर डेमिटिंग हिज ऑफिस और ड्यूरिंग हिज टेन्यू। माय लॉर्ड, आई विल फाइंड माय लॉर्ड सम गुड जजमेंट, माय लॉर्ड, ऑन दिस पॉइंट। चलिए वैसे अगर आप कल तो सुबह तक बता दे क्योंकि आई विल सर्च आउट इन द इवनिंग, माय इन द लॉर्ड, नाइट, नॉट इवनिंग, इन द नाइट। और फिर अगर मुझे उसके इंटरप्रिटेशन पे लगता है कि दैट्स देयर इज समथिंग व्हिच मे फेवर यू, देन आई विल इशू नोटिसेस बाय कीपिंग दिस क्वेश्चन ओपन। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, दिस कोर्ट अदरवाइज डज नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन, तो आपको ग्वालियर के लिए भेज देंगे। माय लॉर्ड, राइट सर, थैंक यू इट मे काइंडली बी केप्ट ऑन 8, माय लॉर्ड, इफ माय लॉर्ड इज। सर। आई एम नॉट नोन फॉर एडजर्निंग द केसेस। माय लॉर्ड, पास ओवर रख देते हैं, मैं पास ओवर में ले आता हूँ। हाँ आप बता दीजिए ना, कोई इशू नहीं। माय लॉर्ड, ओब्लाइज, माय लॉर्ड।